इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपा ही नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं जो पब्लिकली अवेलेबल है, एज अ वुमन कम्स इन शी इज स्ट्रिप्ड नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज सेंटेंस्ड इज द पनिशमेंट नॉट इनफ, मस्ट द ह्यूमन बॉडी बी डिग्रेडेड एंड ह्यूमिलिएटेड। ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। June 6, 1976 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है दैट एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड समथिंग हियर, आई हैव स्टॉप्ड द हॉरिबल बीटिंग्स द विमेन प्रिजनर्स यूज्ड टू गेट। ये कांग्रेस का इतिहास है और ये भारत की बात करते हैं। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला, जेपीजी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी। वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पेरोल पर उनको 15 जनवरी 1977 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटघरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूं, उनके बारे में बोल रही हूं।